अरे हम दोस्तों स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों आधा बना करके छोड़े थे उसी से आज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लेना इस वीडियो को खत्म आने के बाद। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का 3 पार्ट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों 2 पार्ट तो बना चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं, तो नहीं देखे तो जरूर देख लेना इस वीडियो को खत्म हो जाने के बाद। तो चलिए दोस्तों, जैसे एक हाथ को बना दिए तो दोस्तों अभी हम दूसरे हाथ को बना रहे हैं। इसी प्रकार से शिव जी को भी बना देंगे। पार्वती माता की एक हाथ तो बना चुके थे पहले वीडियो में, वहाँ पे रिकॉर्डेड है, तो अभी हम पार्वती माता की दूसरी हाथ को बना रहे हैं। दोस्तों हाथों को बना देने के बाद अभी हम गले के हार को बना रहे हैं। गले के हार को बनाने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा देंगे और वहाँ पे कुछ इस प्रकार से पतला सा कोयल लेकर के वहाँ पे चिपका देंगे, क्योंकि दोस्तों ये मूर्ति आधा जो बनाए थे उसी मूर्ति सूख चुका है दोस्तों, इसलिए दोस्तों वहाँ पे पानी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे नहीं चिपकेगा यदि आप वहाँ पे पानी नहीं लगाएंगे तो। तो इसी प्रकार से पानी थोड़ा बहुत वहाँ पे लगा दे करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से वहाँ पे गले का हार को बना देंगे और इसी टाइप से दोस्तों टूल की मदद से डिज़ाइन कर लेंगे गहने पे। तो इसी प्रकार से बना देंगे गले का हार। तो इसी प्रकार से दोस्तों और हाथों का गहने भी बना लेंगे कुछ इस प्रकार से वहाँ पे। दोस्तों पार्वती का गहना बना देने के बाद अभी बना रहे हैं शिव जी का रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पे दोस्तों वहाँ पे पतला कॉइल बना करके वहाँ पे चिपका देंगे, जैसे पार्वती माता की शरीर पे गहने बनाए थे उसी प्रकार से बना दिए हैं वहाँ पे। और अभी हम जैसे पार्वती माता के हाथों को बनाए थे उसी प्रकार से वहाँ पर शिव जी को भी ज्वाइन कर दिए हैं दोस्तों, और उंगलियाँ भी उसी टाइप से बना रहे हैं दोस्तों। छोटा छोटा कोयल लेकर के कुछ इस प्रकार से वहाँ पे एक एक चिपका करके उंगलियाँ बना देंगे कुछ इस प्रकार से। यदि दोस्तों हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आगे इसी मूर्ति को कलर मारना भी सीखेंगे दोस्तों, बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम शिव जी के हाथ को तो बना चुके हैं, अभी हम हाथों की रुद्राक्ष माला को भी बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, वहाँ पे भी पतला पतला कॉयल चिपका देंगे। और खत्म हो चुका है एक रिपिल ले करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से वहाँ पे बना देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से बना देंगे तो कुछ आसानी से हो जाएगा रुद्राक्ष। तो इसी प्रकार से बना देंगे दोस्तों सभी तरफ के रुद्राक्ष में। दोस्तों एक हाथ बनाए थे उसी प्रकार से दूसरे हाथ को भी बना लेंगे, इस एक साइड के हाथ को तो इसी प्रकार से ही ज्वाइंट कर देंगे दोस्तों। दोस्तों शिव जी और पार्वती माता की शरीर तो बन चुका है दोस्तों, अभी बस बाकी है तो पेस्ट बाकी है। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ पार्वती माता के पेस्ट को। पेस्ट को बनाने के लिए दोस्तों पहले तो कुछ मिट्टी ले करके कुछ इस प्रकार से लड्डू की तरह बना देंगे, और नाक को बनाने के जगहों पे दोस्तों उंगली की मदद से थोड़ा बहुत प्रेस कर देंगे और नाक के जगहों का मिट्टी को थोड़ा ऊँचा कर लेंगे ताकि वहाँ पर नाक अच्छे से बना सकें। और इसी प्रकार से दोस्तों धीरे धीरे बनाते जाएंगे व्हाट और सब कुछ, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ इसी प्रकार से अंत तक। दोस्तों पार्वती माता की पेज को बना देने के बाद कुछ इस प्रकार से वहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे शरीर के साथ। ज्वाइंट कर देने के बाद अभी हम साइड साइड में मिट्टी ऐड करके दोस्तों पार्वती माता की बाल को बना देंगे कुछ इस टाइप से दोस्तों, और यहाँ पे पानी से थोड़ा बहुत फिनिशिंग करके दोस्तों
वहाँ पे टूल का यूज़ करेंगे बाल को स्ट्रक्चर देने के लिए, ताकि अच्छा दिख सके और भी ज़्यादा। तो उससे पहले दोस्तों ऊपर की मुकुट को बना लेंगे, बस एकदम सिंपल रखेंगे दोस्तों ऊपर का जो कि मुकुट या जो भी हो दोस्तों। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद अभी हम बना रहे हैं शिव जी की पेज को। शिव जी का पेज को बनाने के लिए दोस्तों जैसे पार्वती माता की पेज को बनाए तो उसी सेम टाइप से बना देंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं सब कुछ डिटेल में वीडियो नहीं किया हूँ, क्योंकि दोस्तों पार्वती माता का पेज तो बनाना देख चुके हो, तो इसी टाइप से ही बना देंगे शिव जी की पेज को भी। पेज को बना देने के बाद दोस्तों टूल की मदद से वहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से होल बना लेंगे, गर्दन से ज्वाइंट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से दोस्तों, और थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करके गर्दन के साथ अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे। और साइड साइड में दोस्तों जैसे पार्वती माता की बाल को बनाए तो उसी सेम टाइप से दोस्तों शिव जी की बाल को भी बना देंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों सांप को बनाने का वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उस टाइम शायद कैमरा ऑफ था तथा कैमरा स्टॉप हो गया था शायद, तो इसलिए वहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया दोस्तों। दोस्तों शिव जी के गले के सांप को बनाने का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं दोस्तों, इसलिए दिल से सॉरी। और गणेश जी का तो बना चुके हैं दोस्तों दूसरे पार्ट की वीडियो में। तो इसी प्रकार से दोस्तों यदि दोस्तों आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तथा चैनल के होम पेज पर मिल जाएगी, वहां से जाके जरूर देख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों अभी हम बना रहे हैं त्रिशूल को। त्रिशूल को बना देने के बाद हमारा मूर्ति बनाना वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देख सकते हो दोस्तों पूरी मूर्ति की फाइनल लुक।